गुड मॉर्निंग क्लास, माय नेम इज़ अनु मेहरा। टुडे आई विल डिस्कस्ड अबाउट द आइटम्स। ठीक है, हमने टेंथ कर ली थी, अब इलेवेंथ नंबर है। ठीक है, विटामिन बी। विटामिन बी एंड इट न्यूमेरियस फॉर्म वर्क टुगेदर इन मल्टीपल वे टू कीप द ग्रोथ ऑफ द बॉडी अनबेटेड। ठीक है, विटामिन बी क्या करता है, फॉर्म्स मतलब कि वर्क की फॉर्म में काम करता है। ठीक है, स्ट्रांग मतलब स्ट्रांगनेस देता है बॉडी को काम करने के लिए, और उसमें क्या है, ग्रोथ में डेवलपमेंट में इम्प्रूवमेंट लाता है, और अच्छे से ग्रोथ डेवलपमेंट बच्चे की होती है। ठीक है, अब इसमें फर्स्ट है अपनी एज। रिक्वायरमेंट ऑफ दिस विटामिन डस इंक्रीज विद एज बट इन वेरी मिनरल अमाउंट। ठीक है, जैसे एज एज बढ़ती जाती है बच्चे की, वैसे वैसे इसकी अमाउंट भी जो है मतलब क्वांटिटी बढ़ती जाती है। इंपॉर्टेंस क्या है, प्ले अ वाइटर रोल इन द कन्वर्टिंग द फूड इनटू द एनर्जी। ये क्या करता है, जो फूड है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ताकि हम अपनी जो डेली की एक्टिविटी है, काम है, सारा अच्छे से कर सकें। सोर्स क्या होते हैं, किस किस चीज़ में होती है, सी फूड में, मीट में, सीरस में, ब्रेड में, ब्रेड प्रोडक्ट में होती है सभी में। ठीक है, ये गुड सोर्स होता है विटामिन बी का। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, 0.5 mg ऑफ विटामिन बी एंड 0.3 mg ऑफ विटामिन सिक्स अंडर अ ईयर, 1 mg ऑफ विटामिन 12 एंड 0.5 mg ऑफ विटामिन सिक्स। ठीक है, B6 आफ्टर दैट। ओके, अब है नेक्स्ट है विटामिन सी, नियरली सिनोनिमस विद हीलिंग एंड रिपेयरिंग। ठीक है, विटामिन सी की करता है क्या, करता है हीलिंग एंड रिपेयर करता है। ठीक है, जैसे हमारे सेल्स हो गए, टिश्यू हो गए, उनको जो ओल्ड हुए होते हैं, ठीक है, उनको दोबारा से रिपेयर करता है। वन ऑफ द अदर पॉपुलर विटामिन। ठीक है, एंड इसमें क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल विटामिन सी, ठीक है, इसमें इसकी नेली सिनोमी विद हीलिंग एंड रिपेयरिंग करता है, एंड इसमें क्या है, पॉपुलर विटामिन एवरीबॉडी शुड हैव। ठीक है, सबकी बॉडी में जो है विटामिन सी होना चाहिए। इसके यंग बेबीज नीड ऑफ अ लॉट ऑफ विटामिन, जो यंग बेबीज होते हैं उनको मतलब कि विटामिन सी की ज़्यादा जरूरत होती है अर्ली स्टेज में, विच देन सीम्स टू बी रिक्वायर्ड इन द एज नीड बेसिस। ठीक है, उसकी नीड की बेसिस के अकॉर्डिंग मतलब कि विटामिन सी की जरूरत होती है। इम्पॉर्टेंस क्या है, रिपेयरिंग द इंटरनल टिश्यू एंड बोन वेयर एंड टेयर इज द विटामिन सी प्ले अ की रोल। ठीक है, मैंने पहले भी बताया कि क्या करता है, जो हमारे इंटरनल टिश्यू होते हैं बोन वेयर वगैरह, ठीक है, उसमें क्या है, हेल्प करता है उनको इम्प्रूवमेंट करने में, जब उनको जैसे टिश्यू जो पुराने होते हैं उनको रीन्यू करने में। ठीक है, जैसे कोई इंजरी वगैरह कुछ हो जाए, ऐसे इन मैटर ऑफ इंजरी एज वेल विटामिन सी वर्क इन द स्पीडिंग ऑफ द हीलिंग। ठीक है, विटामिन सी से क्या है, जो इंजरी वगैरह अगर बॉडी में किसी कारण हुई है तो उसको जल्दी हील कर देते हैं। सोर्स क्या क्या है, कैबेज, स्पिनच, टमाटो, बेरीज आर रिच इन विटामिन सी। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, 50 mg टिल अ ईयर एंड 15 mg आफ्टर दैट। ठीक है, अब है नेक्स्ट है विटामिन डी, इफ़ योर बॉडी इज गेटिंग कैल्शियम। ठीक है, अगर बॉडी जो है वो कैल्शियम ले रही है तो दैट इज आल्सो नीड विटामिन डी, तो उसको विटामिन डी की भी जरूरत है। ठीक है, अवॉइड कंपनी फॉर गेटिंग द प्रॉपर बेनिफिट। ठीक है, अगर दोनों चीज़ें साथ मिलेंगे तभी इसका प्रॉपर बेनिफिट मिलेगा। एज क्या, थ्रू आर द चाइल्डहुड द नीड फॉर विटामिन सी सेज मोर और लेस कंसेंट इन द योर किड्स ग्रोथ। ठीक है, उसको क्या है मतलब कि चाइल्डहुड जो है उसमें ही देनी स्टार्ट करनी चाहिए इसकी का मोर लेस मतलब उसकी एज के अकॉर्डिंग। ठीक है, जो कि किड्स की ग्रोथ में क्या हेल्प करती है। इंपॉर्टेंट्स क्या है, इनटेक ऑफ कैल्शियम इज अ नो यूज अनलेस देर इज अ विटामिन डी इन द प्लेस टू हेल्प सिंथेसाइज इट्स अब्जॉर्प्शन। ठीक है, विटामिन डी को क्या है मतलब जो क्या है जो जैसे हेल्प करता है सिंथेसाइज करने में, अब्जॉर्ब करने में, है ना, हेल्प करता है, मेक द बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्गर। ये क्या करता है, बोन्स और टीथ को स्ट्रॉन्ग बना के रखते हैं। सोर्स किस किस चीज़ में होती है, सोया प्रोडक्ट्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स, लीफी वेजिटेबल्स, मॉर्निंग सनलाइट है हेल्पफुल विटामिन डी। ठीक है, जो मॉर्निंग की सनलाइट होती है किरणें वो बच्चे को देनी चाहिए, विटामिन सी की डी के लिए अच्छी होती है। रिक्वायरमेंट डेली की कितनी चाहिए, 10-15 mg बाई किड्स अक्रॉस देयर एज। 14 है न्यूक्लियोटाइड्स, द एसेंशियल पोर्शन ऑफ द ह्यूमन बींग स्टोर इन द कोडेड फॉर्म विद द DNA एंड RNA। ठीक है, ये क्या है, एसेंशियल पोर्शन है बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का। ये क्या करता है, कोड को फॉर्म करता है, जो हमारे में DNA RNA होते हैं। ठीक है, उसको क्या, उसका कोड फॉर्म करते हैं। ओए, ठीक है, एंड इसका क्या है, जो इंपॉर्टेंट्स क्या है इसकी, सिंस न्यूक्लियोटाइड फॉर्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ DNA एंड RNA मॉलिक्यूल, दे आर नेसेसरी टू कीप देम स्ट्रॉन्ग। ठीक है, ये क्या करता है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, एंड जो डैमेज फ्री रेडिकल है उनको डैमेज करता है, प्रेजेंस ऑफ डैमेजिंग फ्री रेडिकल्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनाता है जो मतलब डैमेज वगैरह हुई होती है। इसका सोर्स क्या है, मदर ब्रेस्ट मिल्क में होती है। ठीक है, एंड स्पेसिफिक फार्मूला डू कंटेन न्यूक्लियोसाइड नेचर। डेली रिक्वायरमेंट कितनी है, चाइल्ड गेट्स और न्यूक्लियस ही नीड्स विद द ब्रेस्ट फीड से लेता है मदर से। 15 के DHA एंड ARA, दीज आर द टू एसेंशियल फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, यूजली टर्म्स एज Omega-3 एंड Omega-6 फैटी एसिड, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द बेबी ग्रोथ। ये दोनों जो है वो बेबी ग्रोथ के लिए होते हैं। एज क्या है, अंटिल 3 साल तक
बच्चे को एंड नीडेड डेली डाइट में होता है होना चाहिए ये। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, लोड ऑफ ब्रेन एंड आईसाइट डेवलपमेंट, इससे क्या ब्रेन की डेवलपमेंट एंड आईसाइट की, आईसाइट जो है वो अच्छी रहती है, उसकी डेवलपमेंट अच्छी होती है फैटी एसिड से, एसिड से। ऑल ऑफ वी स्टार्ट वर्किंग रेदर अर्ली इन द बेबी लाइफ। सो इसके सी फूड में होता है, फ्लैक्सीड में होता है, वॉलनट्स में होता है, मगज से फोटे फूड्स आइटम आर बेस्ट सोर्स। डेली रिक्वायरमेंट इसकी कितनी है, मोस्ट ऑफ द दिस नीड टू बी गिवन द फॉर्म ऑफ द सप्लीमेंट एज एडवाइज बाय द डॉक्टर। जैसे मतलब डॉक्टर की तरफ से एडवाइस दी जाए इतनी लेनी चाहिए, उतनी उसकी रिक्वायरमेंट लेनी चाहिए। 16 क्या है, विटामिन ई, ऑल्सो नो एज अल्फा टी ई, दिस विटामिन इज क्विट नेसेसरी फॉर द ओवरऑल प्रोटेक्शन। ठीक है, ये क्या विटामिन ई क्या है जो वो ओवरऑल प्रोटेक्शन के लिए जरूरी होती है बच्चे की, बच्चे के लिए। एज क्या विटामिन नीड्स टू बी कॉन्सेंसली प्रेजेंट फॉर चाइल्ड ग्रोथ इन द प्रीटी मच द सेम क्वांटिटी। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, सर्कुल ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करता है, स्टिमुलेट करता है उसको। ठीक है, और जो विटामिन है, विटामिन ई है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है, वो क्रिएट करता है, प्रोटेक्ट करता है, शील्ड फॉर द बॉडी फॉर द वेरियस माइक्रोब्स। ठीक है, जो हमारी बॉडी की शीट होती है उसको क्या कवर अप करता है, कवर अप हुई होती है जिससे बॉडी उसको क्या है मतलब कि जैसे प्रोटेक्ट करके रखते हैं। सोर्स क्या है, रॉ मैंगो में, सनफ्लावर में, वेजिटेबल्स कंटेन विटामिन गुड क्वांटिटी। डेली रिक्वायरमेंट 4 to 6 mg। ठीक है, 17 है प्रीबायोटिक्स एंड प्रोबायोटिक्स। ठीक है, द इन्फेंट न्यूट्रिएंट रिलीज हैवली ऑन द हाउ वेल द बॉडी कैन सिंथेसाइज इट एंड दिस बायोटिक फॉर्म आर नेसेसरी टू मेक दैट हैपन। ठीक है, जो इन्फेंट न्यूट्रिशन होती है उसको रिलीज हैवली ऑन द हाउ वेल द बॉडी कैन सिंथेसाइज, मतलब कि जब बच्चा मतलब न्यूट्रिशन लेता है तो उसको क्या है बॉडी को सिंथेसाइज करते हैं। एज क्या है इसमें, मोस्ट ऑफ द एज अ प्रेजेंट द बेबी बेबी गट। ठीक है, गट होता है जिसे टम्मी बोलो, स्टमक। ठीक है, सिंस बर्थ एंड देयर ग्रोथ नीड सपोर्ट ऑफ दिस एज प्रोग्रेस। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, द इंपॉर्टेंस ऑफ द हेल्थी बैक्टीरिया इन द इंसिडेंट ऑफ योर चाइल्ड बट गेट्स हैव द न्यूट्रिशन। ठीक है, इससे क्या है, जो हमारे हेल्दी है मतलब हेल्दी बैक्टीरिया होते हैं हमारी इंसिडेंट में, उसको क्या है हेल्प करता है। ठीक है, उसकी उसको मतलब कि जैसे अब बच्चे ने खाना खाया है, ठीक है, तो जो हमारी इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया हो तो उनको क्या है वो अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखता है और उसकी हेल्प करता है कि वो अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। ठीक है, सोर्स क्या क्या है, प्रीबायोटिक फोर्टिफाइड मिल्क, अदर फूड आइटम्स आर अवेलेबल अलॉन्ग विद द नेचुरल सोर्स जो होता है जैसे जोगर्ट वगैरह उसमें होता है। ठीक है, डेली रिक्वायरमेंट क्या है इसकी, ब्रेस्ट फीड हेल्प सिंथेसाइज़ डेली रिक्वायरमेंट सप्लीमेंट, मतलब कि बच्चे की मदर फीड में जो है बच्चा लेता है उसमें भी होता है ये। ठीक है, 18 है वाटर, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस फॉर्म द वेरी फाउंडेशन ऑफ लाइफ विद इन द बॉडी, इन द इंक्लूजन इन द डाइट कैन नॉट बी डाउन प्लेड एट ऑल। ठीक है, ये क्या है, ये तो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, इसका थॉट नॉट डायरेक्टली रिक्वायर्ड एट अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ, वाटर कैन बी गिवन अ चाइल्ड वंस ही गेट स्टार्टेड ऑन सॉलिड। ठीक है, बच्चे को जब सॉलिड स्टार्ट करते हैं 6 months से तभी बच्चे को पानी दिया जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। इंपॉर्टेंस क्या है, मेंटेनिंग प्रॉपर वाटर लेवल, अगर बच्चे को मतलब कि वाटर मतलब कि पानी भी अच्छे से दिया जाएगा क्वांटिटी में तो उसका क्या है वाटर लेवल, जो बॉडी का वाटर लेवल है वो अच्छे से मेंटेन रहेगा और उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी नहीं आएगी और डिहाइड्रेशन की कमी नहीं आएगी। सोर्स क्या है, ब्रेस्ट मिल्क में जूसी फ्रूट्स हो गया, प्लेन वाटर हो गया, इसमें सबसे सब ये देना चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट क्या, इंश्योरिंग द यूरिन इज कलरलेस इज योर बेंच मार्क प्रॉपर वाटर कंजप्शन। ठीक है, इंश्योरिंग जैसे कई बार होता है ना यूरिन जो है येलोइश कलर का होता है तो इससे क्या है पानी मतलब गर्मी हो जाती है जो कि, तो बच्चे को क्या है वो देनी चाहिए, पानी अच्छे से देना चाहिए बच्चे को। ठीक है, ये आपका हो गया आइटम्स। ठीक है, इसी में आपका डाइट प्लान भी उन्होंने पूछा है, वो हम कल करेंगे। ठीक है, डाइट प्लान बाकी का टॉपिक।